हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से व्यू के साथ। तो अभी हम लोग हैं सिटी पिथौरागढ़ में, जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। और क्यों इसे मिनी कश्मीर कहा जाता है वो आप ये पीछे का व्यू देख के आप समझ सकते हैं। होटल में हम लोग रुके हुए हैं, उसकी छत से अभी मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और पीछे का व्यू आप ये देख सकते हैं। ये देखिए गाइज, होटल के सामने मेन रोड पे कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देते हैं। मेन रोड के पास पे ही हमने होटल लिया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ की सैर कराते हैं। फिलहाल हम लोग ने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है एंड अब हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़ मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसके बाद चंडा की ओर आपको लेके चलेंगे। सामने आप देख रहे हैं गाइस, ये है नैनी सैनी एयरपोर्ट, जो कि फिलहाल तो बंद पड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं जल्दी यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट होगी। ये व्यू देखिए गाइस यार, APS कॉलोनी के पास में हम लोग हैं, सामने नैनी सैनी एयरपोर्ट। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उमेश भैया को लेने हम आए थे। सो चलिए अब निकलते हैं पिथौरागढ़ मार्केट की ओर। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये है नगरकोटी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमने अपना होटल लिया हुआ था, होटल सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको चंडा की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पे उल्का देवी मंदिर और सामने आप देख रहे हैं, ये है टूरिस्ट रेस्ट हाउस पिथौरागढ़। और अब यहाँ से पिथौरागढ़ शहर का नज़ारा आप देखिए। ये देखिए गाइस यार, यहाँ पे क्योंकि अभी इलेक्शन होना है तो यहाँ पे पुलिस के साथ साथ SSB के जवान भी यहाँ पे ड्यूटी पे लगे हुए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है मेघना होटल एंड मेघना कैफे ऑन द रॉक्स। तो ये देखिए गाइस, ये है चंडा की मार्केट, जो कि छोटी सी मार्केट है बट बहुत ही खूबसूरत लोकेशन यहाँ पे है। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए चंडाक। ये पीछे चंडाक की मार्केट है एंड ऊपर है व्यू पॉइंट। सो चलिए ऊपर टॉप में लेके चलते हैं आपको, वहां से जो पिथौरागढ़ का व्यू आता है वो आपको दिखाते हैं। देवदार के घने जंगल के बीचों बीच से होकर हम लोग निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं पतली सी सड़क है बट जो नज़ारा है एक नंबर है। स्मार्ट बने और कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, ठीक चू। चंडाक का जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे हम लोग हैं अभी, इसके टॉप में आपको लेके चलते हैं ये वादियाँ। सो गाइज, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं चंडाक और ये यहाँ का मेन व्यू पॉइंट। ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन व्यू पॉइंट है और यहाँ से नीचे पिथौरागढ़ शहर का कम्प्लीट व्यू यहाँ से दिखाई देता है। एरियल व्यू आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट में ये जगह। और नीचे देखिए, ये है सिटी पिथौरागढ़। तो ये देखिए गाइस, दो बंदे ऊपर बैठ के व्यू को एंजॉय करते हुए। सो गाइज यार, अभी थोड़ी देर हम लोग ऊपर व्यू पॉइंट पे बैठे, हमने चिल किया वहाँ पे बैठ के और अब हम लोग निकल पड़े हैं आगे को।
तो ये देखिए, ये है मोस्ट मानु मंदिर। मोस्ट मानु देवता का काफ़ी फेमस मंदिर है इस पूरे इलाके में। यहाँ पे हर साल एक मेला भी लगता है, काफ़ी शानदार मेला। तो चलिए अभी यहाँ से हम लोग आगे से गाड़ी बैक करके फिर वापस निकलेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक स्कूल है और प्यारा सा व्यू यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे। इन वादियों में, इन हवाओं में प्यार के झंडे का आ जाता है पिथौरागढ़ को मेरी कश्मीर। सो गाइज यार, अभी हम लोग आ गए हैं चंडाक से वापस। एंड ये नज़ारा देखिए यार, सैल्यूट टू आवर नेशनल फ्लैग। एंड गाइज आप देख रहे हैं अभी जो तिरंगा झंडा, उसे आधा झुकाया गया है इन द ट्रिब्यूट ऑफ लेट लता मंगेशकर जी। गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको चेक कराने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। ये वर्कशॉप है। नाउ मैकेनिक इज टेकिंग टेस्ट ड्राइव। लेट्स सी इसी को पकड़ पाते हैं या नहीं। सो गाइस यार, अभी हम लोग गए थे गाड़ी चेक करने। एक्चुअली गाड़ी गड्ढू में आवाज़ कर रही थी, बट अभी हम लोग 5-7 किलोमीटर जाके आगे, बट गाड़ी आवाज़ ही नहीं करी। एक्चुअली यहाँ पे गड्ढे है ही नहीं, मतलब उतने तगड़े वाले गड्ढे नहीं है। तो मतलब पिथौरागढ़ मार्केट में रोड की हालत अच्छी है, इससे आप समझ सकते हैं। ये हमें आज पता चला जब हम लोग गड्ढे ढूंढने गए, बट हमें गड्ढे मिले नहीं यहाँ पे। तो चलिए अभी देखते हैं, फिलहाल गाड़ी चेक करा रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही देखना पड़ेगा। आवाज़ तो आई नहीं, मैकेनिक को लेके हम लोग गए थे। अब तुमने पिथौरागढ़ में रोड ही इतने अच्छे बना रखे हैं। हर हर महादेव। सो गाइज हम लोग हैं महादेव तारे के पास। एंड यहाँ से आप पिथौरागढ़ सिटी का व्यू देखिए, ये ऊपर चंडाक और ये नीचे पूरा सिटी पिथौरागढ़। एंड गाइज फाइनली वी आर हियर एट लेह लद्दाख। एक्चुअली गाइज अभी हम लोग हैं पिथौरागढ़ का जो एकमात्र बौद्ध मठ है, बुद्धा टेम्पल भी जिसे कहा जाता है, और बौद्धिस्ट लैंग्वेज में इसे गोम्पा कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे हैं, जैम्पलिंग गोम्पा इसका नाम है। तो चलिए थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, देखते हैं अंदर क्या सीन है, और फिर उसके बाद वापस पिथौरागढ़ क्यों निकलेंगे। और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं, जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।